हाय गाइज, ये नोज ब्लोइंग वाला जो वीडियो है ना, मुझे तो नहीं हो पा रहा था ना, लेकिन मुझे सर्दी जुकाम अभी हुआ है तो इसी की वजह से। और जब मैं बनाती, मेरी बेटी कैमरा दिखा रही थी और बोल रही थी ची ची ची, ऐसे बोल रही थी। इसी की वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता, और भी मुझे मेरा तबीयत बहुत जोर ख़राब हो जाता है, और मेरा साइनसाइड प्रॉब्लम है। ये मेरा लास्ट है, मैं और नहीं करूँगी नोज ब्लोइंग वाला। और जुकाम हुआ था तो मैं कर दी। देखिए कैसे मेरा ब्लो हो रहा है, मेरा नाक से बहता है। देखिए एक इसकी इतना क्यों आपको पसंद आता मुझे पता नहीं। तो देखिए मैं थोड़ा सा क्लिप में दे रही हूँ, ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर रही हूँ। और मेरा उसके बाद मेरा डेली ब्लॉग का जो है, मेरे सारी वाला ब्लॉग है, देख लीजिए। और देखिए मेरा कैसे मैं साड़ी से, जो रेड साड़ी था पिछले दिन का वीडियो था, कैसे छींक भी आ रहा था। देखिए और मैं फूल तोड़ रही थी। उसके बाद देखिए कंटिन्यू कीजिए मेरा ब्लॉग। एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिली की ब्लॉग फ्रेंड। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। मैं अच्छी हूँ, कैसे मैं बोलूँगी। मुझे एक्चुअली सर्दी जुकाम हो गया ना, सर्दी जुकाम की वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा है। और मुझे जब सर्दी होता है, मेरा साइनसाइड प्रॉब्लम होता है ना, जो कोल्ड एलर्जी मुझे बहुत जल्दी हो जाता है। इसी की वजह से मैं कुछ भी, जो मुझे बार बार कमेंट आ रहा है, आप जो नोज ब्लोइंग वाला वीडियो बनाओ, तो मुझे जो एलर्जिक है ना, मुझे कोल्ड एलर्जिक है, उसी की वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। और मुझे ज़्यादा ठंड हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, एकदम से ठीक आएगा। और देखिए अभी भी मेरा टोन कैसे आ रहा है, 3-4 दिन से ऐसे मेरा आवाज़ आ रहा है। और चलिए, मुझे कमेंट आया था जो सिंपल वाला, मेरे हद तक मैं जो कर पाऊँगी ना, वो मैं कर सकती हूँ। सच में सिंपल स्टाइल का जो है, सिंपल मतलब मैं जो कर पाऊँगी, सिंपल कुछ नहीं, मैं जो कर पाऊँगी उस टाइप का मैं करूँगी। और जो रुमाल ना, जो जिगजैग वाला बोलते हैं, मुझे नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँगी। अभी दूसरे टाइप का, जो हमारा टॉवल टाइप का जो रुमाल आता है, उसी टाइप का हैंकी ही आता है, और ज़्यादा टाइप का नहीं आता है। मैं बहुत बार ढूंढी हूँ, नहीं मिल रहा है, देखती हूँ, नहीं तो मैं ऑनलाइन से मंगा सकती हूँ। पहले तो बहुत आता था, आजकल वो सब पसंद नहीं करते, मोटा वाला आजकल पसंद करते हैं, पसीना होता है भी तो पोछ लेते हैं ना, इसीलिए। तो फ्रेंड, जो मेरा चैनल को न्यू विजिट कर, तो लाइक से कमेंट कीजिएगा ऑल बटन के साथ। और मेरा साड़ी का पहनावा देखिए, मेरा साड़ी ऐसे ही होता है, मैं नीचे ही पहनती हूँ, मुझे बहुत कंफर्टेबल है। मैं चलिए मॉडर्न स्टाइल का हैंकी टक करूँगी और किचन का भी काम करूँगी, और मुझे कमेंट किए थे आप कमर चेन लगा ऐसे मुझे कमेंट किए थे, मैं उसी टाइप का करूँगी, कमर चेन वाला जो हैंकी टॉप करूँगी, सॉरी मैं कमर चेन लगाऊंगी। और देखिए मॉडर्न स्टाइल का हैंकी टॉप भी करी हूँ, किचन का भी काम है और सब करूँगी। तो कमर बंद कहाँ है, मैं लगाती हूँ, आप लोग कमर बंद तो देखो। और मैं कमर बंद लगा के ही काम करूँगी। और मुझे आ रहा है जो आप चेन, जो चाबी की चेन टॉक करके आप करो, ऐसे बोलते हैं। तो देखती हूँ की चेन वाला मैं कब करती हूँ, पता नहीं। देखो
क्या करूँ मैं, जो मेरे प्लेट्स को मैं उसको छोड़ दूंगी या ऐसे करूंगी, कैसे अच्छा लगेगा मुझे पता नहीं। मेरा देखें आंखें के नीचे भी कैसे गाढ़ा जैसा हो गया। गड्ढे जैसा हो गया। तो देखिए मैं कमर चेन लगा ली हूँ, लगाई और कमर चेन लगा लिया तो कैसे मैं काम कर पाती कोई नहीं। मैं देखती हूँ कमर चेन लगा के कर पाती हूँ कि नहीं, आपको मैं दिखाती हूँ कमर चेन के साथ काम हो पाता है कि नहीं। लेकिन अच्छा लगता है कमर चेन लगाने में। मैं साड़ी के ऊपर लगाती हूँ, साड़ी के नीचे नहीं। कमर चेन लगा के मैं काम करती हूँ, देखती हूँ किचन में चलती हूँ कर पाती हूँ कि नहीं। फिर देखती हूँ, मुझे तो आज अच्छा भी नहीं फील हो रहा है। चलिए मैं दाल बनाती हूँ, दाल और सोया बनाऊँगी और क्या बनाऊँगी, भाजी तो बना दी। कपड़े को भी सुखाना है, पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ उसके बाद कपड़े सुखाने जाऊंगी। मुझे बार बार कमेंट आ रहा है कमर चेन लगा के काम कमर चेन लगाओ। एक महीना से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ऐसे बोल रहे थे, तो ठीक है जी मैं फुलफिल कर रही हूँ आपका रिक्वेस्ट। तो इस कमर बंद के साथ काम करना बहुत मुश्किल है, मैं इसको उतार देती हूँ। बहुत मुश्किल है सच में। देखिए हैंकी भी है, हैंकी मैं उसको उतारती हूँ। इसके साथ काम करना बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाऊंगी मैं। आप बोले ना इसीलिए मैं कमरबंद लगा के थोड़े काम कर ली। चलिए कपड़े को सुखाऊंगी मैं। बाथरूम से पानी जो हमारा कॉरिडोर को निकल आया था ना, पानी को मैं जो झाड़ू से साफ कर रही थी और उसके बाद पोछा लगाऊंगी, नहीं तो चारों तरफ पानी पानी हो जाएगा। उस टाइम हस्बैंड भी क्या करे ना, जो मार्केट से हमारा सब्जी लेके आ गए हैं और हस्बैंड जा रहे हैं, मैं उस सब्जी को भी खोल के रख दूंगी। जो मूली फुली वो मूली वगैरह सब ला कर आए हैं, और जो बरबट्टी मूली और क्या बोलते हैं परवल और काकर है वो सब लेके आए हैं। और मैं दिखाई थी ना स्टार्टिंग में जो हमारा मिर्ची है, उस मिर्ची को भी मैं बनाने वाली हूँ। मैं पहली बार बनाऊँगी, कैसा लगेगा पता नहीं। अच्छा लग रहा था लेकिन
हस्बैंड के साथ ऐसे हंसी मजाक करना बहुत अच्छा लगता है, कॉमेडी करना। हस्बैंड को बोली आप भी जो जो सब्जी लाए हो उसको भी रख दो, तो रख रहे थे और उनको आज काम करवाऊंगी। मैं बर्तन लाई और हस्बैंड को मिर्ची कट करवाऊंगी और देखिएगा आप। पूरा हेला बड़े अच्छे तो उसी मिर्ची को मैं अचार बनाने के लिए सरसों को तेल सरसों की तेल में दे दिया। सरसों की तेल दे डाल के जो हमारा सरसों जो मस्टर्ड में थोड़ा सा मस्टर्ड चटकने के लिए दे दिया और जो हमारा सरसों की उसको पेस्ट भी डाल के मैं बनाऊंगी और बहुत टेस्टी लग रहा था। ऐसे मैं कभी नहीं बनाई लेकिन बनाई बहुत टेस्टी लग रहा था। सारे जो हमारा सूखी मतलब पाउडर मसाले है ना सब डाल दिया। पाउडर मसाले को डालने के बाद नमक वगैरह दे दिया और मेरे बगीचे में था मेरे किचन गार्डन में था जो मिर्ची उसी मिर्ची को मैं बनाई। बहुत टेस्टी, ज़्यादा मिर्ची नहीं लग रहा था और ऐसे बहुत हल्का हल्का लग रहा था मिर्ची, अच्छा लग रहा था। ऐसे बना के भी आप खा सकते हो बहुत इजी तरह। विनेगर दे रही हूँ, देखिए दो तीन स्पून में जो विनेगर दे दिया, खट्टा खट्टा लग रहा था। और देखिए जो सोया भी बनाई हूँ, दाल सोया और मिर्ची का अचार बनाई हूँ और क्या भाजी भी बनाई थी। कितना टेस्टी टेस्टी लग रहा था। ऐसे बना के खाओ कभी मिर्ची का अचार, स्टार्ट मिर्ची का अचार। और फ्रेंड्स चलिए अभी मैं रखती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों।